Hey guys, what's up? Welcome back to my channel and very good evening to all. तो यहाँ से हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पहले यह चैप्टर था, हमने उसके बारे में पढ़ा द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से पुराने एक्ट जो ब्रिटिश टाइम के थे सारे, हमने उनके बारे में धीरे धीरे बात करी. उसके बाद हम अगले चैप्टर चैप्टर नंबर टू की तरफ बढ़ रहे हैं. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी स्क्रीन पर ध्यान देना होगा कुछ हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड इसका है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, तो उसके बारे में कहाँ से कौन सी बात उठ के आई है, किस तरीके से हमने चीज़ों के अप्लाई किया है, तो उन सब चीज़ों को अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे. आपको केवल अपनी स्क्रीन पर देखना है, मैं धीरे से इसको एलोब्रेट करना शुरू करता हूँ और इसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो पहली बात इसमें ये हमको ध्यान देनी है कि आपको यहाँ देखना होगा कि डिमांड जो है वो कब से उठी थी. ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसकी डिमांड कैसे उठी. देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है कि यहीं क्या इसी असेंबली के अंदर 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार होगा. तो उसकी क्या रूपरेखा रही है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले 1934 में एमन रॉय, जो कि बहुत ही उस समय के बहुत ही विख्यात जो है उस समय के बहुत दार्शनिक कहे जाते थे और भारत के, तो उन्होंने जो है, और उनको हम लोग भारत में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है उसका पायनियर भी कहते हैं, यानी कि पितामह कह सकते हैं उनको आप भारत के अंदर. ठीक है, कम्युनिस्ट मूवमेंट का ये क्वेश्चन भी आ जाता है, हु इज़ द पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, तो उसका आंसर होता है एमन रॉय. तो इन्होंने पहली बार आइडिया दिया था कि हमारे देश की खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला आइडिया था वो एमन रॉय ने दिया था. इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसकी ऑफिशियली डिमांड कर दी कि हमको खुद की अपनी सीए चाहिए. सीए मैं यहाँ बोलूँगा यहाँ से, ठीक है, सीए का मतलब यहाँ से आप समझ लेना कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो सीए का जो है आईएनसी यानी कि इंटरनेशनल कांग्रेस ने डिमांड कर दी और इसको बनाना है भारत के लिए, ऐसी इन्होंने डिमांड रखी 1935 में. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 1938 के अंदर यानी कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है ये बहुत बड़ा सा और इसको ज़रूर आप याद रखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और इसी का बेस बना करके फिर 1940 में डिमांड जो है भारत के जो बेसिकली जो आईएनसी की थी इंटरनेशनल कांग्रेस की, उसको 1940 में एक्सेप्ट किया जाता है और उसी एक्सेप्टेंस को हम अगस्त ऑफर 1940 के नाम से जानते हैं. हम हिस्ट्री में सबको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन आप यह आइडिया ले लीजिए इस बात का, तभी आपको समझ में आएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो किस तरह से बनने की उसकी शुरुआत होगी. ठीक है, 1940 की हमने बात की अगस्त ऑफर की. उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आता है और क्रिप्स मिशन जो है ये टोटली क्रिप्स मिशन कहता है कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हो जाएगी तो भारत के लिए स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि स्वतंत्र संविधान यानी कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे. क्रिप्स मिशन ने ऐसी बात करी लेकिन क्रिप्स मिशन को जो है रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि दो अलग अलग कंट्री बने, दो अलग अलग सीए बनेंगे. ठीक है, तो कैबिनेट मिशन उसके बाद आता है क्योंकि क्रिप्स मिशन तो एक तरह से खारिज हो जाता है, क्रिप्स मिशन की कोई बात नहीं मानी जाती है क्योंकि क्रिप्स मिशन की जो बातें थी उसको रिजेक्ट डायरेक्टली कर दिया था मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि दो अलग अलग सीए बने लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग का जो आइडिया होता है दो अलग अलग सीए बनाने का, दो अलग अलग कंट्री बनाने का, वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है और इसके बाद जो है पूरी तरह ये बात चलती है और कैबिनेट मिशन 1946 में जो आता है उसी के हिसाब से फिर आगे जाके हम जो कंपोजिशन आप स्क्रीन पर देखिए कंपोजिशन ऑफ द जो सीए की वहाँ पे बात लिखी हुई है इसके बारे में जो टोटल जो सारे रिकमेंडेशन है वो टोटली दी है हमारे कैबिनेट मिशन 1946 के हिसाब से. ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिखा भी है, आप देख सकते हैं ऊपर कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है तो ये फॉर्म्ड हुई थी अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन या उनके प्लान के हिसाब से और 1946 में जो है सीए फॉर्म हुई थी इंडिया की. ठीक है, अब सीए की जो स्ट्रेंथ है ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कितनी स्ट्रेंथ थी इसकी, तो टोटल इसकी स्ट्रेंथ थी 389, ये आपको याद रखना, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ 389 टोटल स्ट्रेंथ थी इंडिया की सीए की. सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा. ठीक है, और 389 में से आपको दो पार्ट डिवाइड करने होंगे. यहाँ पे देखो 389 टोटल इसकी स्ट्रेंथ होगी, मतलब इतने लोग होंगे इसमें, इसमें से आपको 296 अलग करना है और आपको 93 अलग करना है.
अब 296 क्या है, 296 ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस होंगे, यानी ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस से सारी सीटें आएंगी, और 93 आपके प्रिंसली स्टेट की सीटें होंगी। प्रिंसली स्टेट क्या थे, जहाँ पे राजा रजवाड़ाओं का शासन चल रहा था, ठीक है, ब्रिटिश ताज के अंदर, और ये ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंदर 93 स्टेट आएंगी सारी की सारी, और 296 जो है ब्रिटिश प्रोविंस से आएंगी, जो उस समय की 11 प्रोविंस थे, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अभी 296 से इनको फर्दर डिवाइड करेंगे हम लोग, 296 को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं हम लोग, 292 + 4, ठीक है। अब 292 जो सीटें हैं यहाँ पे वो 11 प्रोविंस से आएंगी। अब 11 प्रोविंस कौन कौन सा अभी मैं आपको बताऊंगा, और चार जो हैं इनको कहते हैं हम लोग चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, क्या कहते हैं, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, तो चार सीटें यहाँ से आएंगी, तो टोटल मिला के 296 हो जाएंगी। अभी चार जो सीटें हैं जिनको हम चीफ कमिश्नर प्रोविंस बोल रहे हैं, उनका नाम एक बार देख लीजिए आप, पहले मैं आपको चार ही बताता हूँ, फिर मैं आपको ये वाली बातें बताऊँगा। चार जो चीफ उस समय कमिश्नर प्रोविंस थे, मतलब मुख्य कह सकते हैं नगरीय आयुक्त, जो आप मतलब एक तरह से आप केंद्र शासित प्रदेश मान सकते हैं उनका आज के हिसाब से, तो ये चार थे, ठीक है। आपको ट्रिक बताता हूँ मैं, चार याद रखने की, आपको याद रखना है ए बी सी डी, चार की ट्रिक है ए बी सी डी। ए का मतलब यहाँ पे है अजमेर मेवाड़, और बी का मतलब है आपका बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान, सी का मतलब है कूर्ग, और डी का मतलब है दिल्ली। याद हो गया कितना ईजी है, ए फॉर अजमेर, बी फॉर आपका बलूचिस्तान, सी फॉर आपका कूर्ग, और डी फॉर दिल्ली। तो इस तरह आपको चार याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये चार सीटें होंगी, इसके बाद हम बात करेंगे 292 सीट्स की। 292 सीट्स जो हैं 11 प्रोविंस से आएंगी, 11 ब्रिटिश प्रोविंस होंगे। 11 कौन कौन से प्रोविंस हैं आपको बताया था मैं, पहला आपका मद्रास है, दूसरा आपका बॉम्बे है, ये तीन चार बार आप पढ़ना आपको याद हो जाएंगे सारे। तीसरा आपका यूपी है, जिसको हम यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, उत्तर प्रदेश नहीं बोलते थे उस समय। और चौथा आपका बिहार है, पाँचवा आपका सेंट्रल प्रोविंस है, जिसको हम एमपी बोलते हैं आज की डेट में, ठीक है। और पाँचवा आपका, छठा आपका उड़ीसा है, ठीक है, और फिर आपका एक पंजाब है, और फिर आपका ये बॉर्डर, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया बॉर्डर है, इसको बोलते थे हम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा सिंध का, फिर आपका आएगा बंगाल, फिर लास्ट में आपका असम। फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ 11 के 11 नाम में, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल और असम। ये 11 प्रोविंस है जिनसे 292 सीटें बनने वाली हैं, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो फ्रेम होता है उसका, वो ये है, आपको अपनी स्क्रीन पे देखते जाना है, सारी बातें देखो ये सामने लिखी हैं आपके, पॉइंट नंबर वन की हम बात कर रहे थे। और इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू क्या है कि सीटें इस हिसाब से एलोकेट की गई थी कि जो पॉपुलेशन है वो सही प्रपोर्शन में अपने आप डिवाइड हो जाए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे, यानी कि हर 10 लाख लोग पे एक रिप्रेजेंटेटिव था, यानी कि एक सीट थी। तो समझ में आ रही मेरी बात आपको, तो 1 मिलियन पीपल इज इक्वल टू 1 सीट, तो इस तरह डिवाइड किया गया था। पॉइंट नंबर टू हमने पढ़ लिया। पॉइंट नंबर तीन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि ब्रिटिश प्रोविंस उस समय तीन कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड था। तो तीन कम्युनिटी कौन कौन से, जो ब्रिटिश प्रोविंस वाली जो सीटें आप देख रहे हो ना, जो 296 सीटें आई हैं, तो ये तीन कम्युनिटी में डिवाइड थे, यानी तीन कम्युनिटी से उठ के डायरेक्ट लोग आए थे। तो पहला है आपका मुस्लिम, दूसरा आपका सिख, और तीसरा जनरल। जनरल में मुस्लिम और सिख को छोड़ के पारसी, हिंदू, सारे SC ST इंक्लूडिंग जितने भी हिंदूज़ हैं, और जितने बाकी धर्म हैं बौद्ध, जैन, सारे के सारे जनरल कास्ट में, कास्ट नहीं, यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आएंगे। और मुस्लिम और सिख दो अलग कैटेगरी होंगी, मतलब तीन कम्युनिटी से सारे के सारे ब्रिटिश प्रोविंस की सीटें भरी जाएंगी, मतलब तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। समझ में आ गया, तो ये आपका पॉइंट नंबर थ्री हो गया। अगला हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर फोर की तरफ। पॉइंट नंबर फोर में लिखा है कि इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के हिसाब से वोटिंग हुई थी। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसको, इट इज़ अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट बैलेट के हिसाब से, और या फिर आप वोटिंग बूथ पर जाकर आप वोटिंग नहीं करते हो, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बैठे हुए लोग या एक मतदाता सूची तैयार करते हैं, उसी के हिसाब से जिसके ज़्यादा ज़्यादा वोट मिलते जाते हैं उसी के हिसाब से उसको हम चुनते जाते हैं, और धीरे धीरे एक एक करके जितने उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं बाकी सबको अलग करते जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये भारत के राष्ट्रपति के लिए आज भी यूज़ होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। तो इसको जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो उस समय सारी की सारी सीटें भरी गई थी इस हिसाब से। तो हमने पॉइंट नंबर चार डिस्कस कर लिया, पॉइंट नंबर पाँच की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर पाँच में लिखा है कि हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जो थे, मतलब कि जैसे जो राजा रजवाड़े थे, तो उन्होंने अपने अपने जितने प्रोविंस थे, जो इनके अपने अपने स्टेट थे प्रिंसली स्टेट, जैसे कि आपका, आपको पता होगा बहुत सारे उस समय प्रिंसली स्टेट थे, तो सब ने अपने अपने प्रोविंस से या अपने अपने स्टेट से एक बंदे को नॉमिनेट कर दिया था, एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया था, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके उनका रिप्रेजेंटेशन कर सके। समझ में आ गया, तो प्रिंसली स्टेट से इस तरह से आए थे। तो देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन था ये, टोटली कह सकते हैं डायरेक्टली इलेक्शन नहीं था, इसलिए कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
जो भी लोग आए थे वो पार्शली इलेक्टेड थे और या फिर पार्शली नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड थे, मतलब टोटली डायरेक्टली कोई भी वहाँ से उठ के नहीं आया था, डायरेक्ट इलेक्शन किसी का भी नहीं हुआ था। और एक बात और याद रखनी है आपको कि जो सारे के सारे जो मेंबर पार्शली इलेक्टेड हुए हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, वो भी डायरेक्टली नहीं आए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो जो उनकी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहाँ से उठ के आए हैं। मतलब वहाँ से उठ के आए मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आप, आपको जैसे हमारे आज के टाइम में जैसे हम राज्यसभा में कोई भी भेजते हैं सारे सांसद चुन के, तो वो हमारे जैसे विधानसभा होती है हर राज्य की अपनी या विधान परिषद होती है, तो वहाँ से हम लोग चुन के राज्यसभा में भेजते हैं। समझ में आ रहा है? इससे आप रिलेट कर सकते हो उस टाइम की इस चीज़ को। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी मेंबर थे ये सारे के सारे प्रोविंशियल असेंबली से आए थे, और ये भी खुद भी एक लिमिटेड फ्रेंचाइजी यानी मतदाताओं के हिसाब से नॉमिनेट हुए थे। मतलब एक तरह से नॉमिनेशन ही था ये। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद अगला पॉइंट देखना है आपको, आपको अब ध्यान देना है यहाँ पे, ये मैंने अब बहुत बात पढ़ दी आपके लिए, और आपको अब ध्यान देना है ये वाले पॉइंट पे, ठीक है? यहाँ से इस पॉइंट से द इलेक्शन से, तो जो इलेक्शन होता है वो 296 सीट पे होता है और ब्रिटिश इंडिया सीट्स होती हैं, और ये इलेक्शन जो होता है जुलाई अगस्त 1946 के टाइम पे होता है और 296 सीट पे होता है, जिसमें से मैंने आपको बताया था 296 में 292 सीटें आपकी प्रोविंस से आएंगी और 4 आपकी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आएंगी। 4 कौन कौन से प्रोविंस थे? ए बी सी डी, ए फोर अजमेर, बी फोर बलोचिस्तान, सी फोर कोर, डी फोर दिल्ली। तो 296 सीट्स में से आपको जब इलेक्शन होता है तो उसमें से 208 सीटें, देख लीजिए एक बार, 296 में से 208 सीटें जो है कांग्रेस जीत जाती है, ठीक है? 208 सीटें जीत जाएगी कांग्रेस आउट ऑफ 296। तो 208 सीटें जीतेगी कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय, ठीक है? और 73 सीटें जीती जाएंगी आपकी मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग 73 सीट जीतेगी, और बची हुई 15 सीटों को जीतेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और स्मॉल ग्रुप्स या स्मॉल पार्टीज, ठीक है? तो 15 सीटें बाकी पार्टी जीतेंगे, इंडिपेंडेंट लोग जीतेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इन तीनों को जोड़ लेना, 208, 73 और 15, तो आपका 296 आ जाएगा जोड़ के, ठीक है? इसके बाद देखना है हमें जो 93 जो प्रिंसली स्टेट की सीटें थी 93, तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजे। अब क्यों नहीं भेजे? क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था प्रिंसली स्टेट्स ने कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो इस तरह से जो 93 सीटें थी वो वैकेंट रह गई थी, खाली रह गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है? तो यहाँ तक हमने पूरी बात कर ली इसके बारे में, ये आपके सामने सारा लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे आपको ध्यान देना, अब यहाँ पे देखो ये जो मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है? ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ पढ़ना थोड़ा सा, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तो इसके अंदर इंडिया के सारे सेक्शन, सारे की सारी कैटेगरी के लोग इंक्लूडेड थे। कौन कौन से कैटेगरी के लोग थे इसमें? सारे थे। कौन कौन से? एस सी के सारे लोग थे, मतलब एस सी का रिप्रेजेंटेशन भी था वहाँ पे, एस टीज का रिप्रेजेंटेशन भी था, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन था, मुस्लिम्स का था, एंग्लो इंडियंस का था, इंडियन क्रिश्चियंस का भी था, और पारसीज का भी था, और सिक्स का भी था। मतलब जितनी कम्युनिटी उस समय इंडिया में थी सबका रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था, ठीक है? अगर यहाँ तक हमने बात पूरी कर ली मोहम्मद अली जिन्ना तक, और यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं प्रेजेंट थे उस समय, ठीक है? ये लोग बाहर से राजनीति कर रहे थे और महात्मा गांधी ने एकदम अपने आप को खुद से सेपरेट कर लिया था राजनीति से उस समय। तो इसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, ठीक है? ये आप देखिए अपनी स्क्रीन पे, तो इसमें लिखा हुआ है कि देखिए इसमें क्या होता है कि पहली मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 की डेट याद रखनी है सबको, क्योंकि पहली मीटिंग होती है इसमें, ये डेट आ जाती है एग्जाम में, बहुत आती है, काफ़ी ज़्यादा आती है, 9 दिसंबर 1946 आपको याद रखना है, क्योंकि इस दिन ही पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीए की। और इसमें क्या होता है कि मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर देती है, क्योंकि मुस्लिम लीग अपनी मांग पर अड़ी होती है कि हमको दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दो और दूसरा राष्ट्र बना के दो, पाकिस्तान को अलग करो, ठीक है? तो इसी चक्कर में जब मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करती है तो केवल 211 मेंबर ही आ पाते हैं आउट ऑफ 296 में से, 211 अटेंडेंस होती है पहले दिन, ठीक है, जब बैठक शुरू होती है। और धीरे धीरे करके यहाँ से हम कानून बनाने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू करते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि जब हमारा अगली मीटिंग होती है 11 दिसंबर को, तो माफ़ करना 9 दिसंबर को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि उस समय ये ओल्डेस्ट पर्सन होते हैं, सबसे बूढ़े व्यक्ति होते हैं उस सभा के, उनको टेम्पररी यानी कि अस्थायी तौर पे
प्रेसिडेंट बना दिया जाता है उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, और बाद में जा करके राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा 11 दिसंबर को। पहली मीटिंग 9 दिसंबर को होगी, अगली मीटिंग 11 दिसंबर को होगी, और उसकी अगली मीटिंग 13 दिसंबर को होगी, और 13 दिसंबर को ही रिजोल्यूशन आपका जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसका प्रस्ताव पारित किया जाएगा भाई जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में बात अगले लेक्चर में करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा परमानेंट वाला, और साथ ही दो वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए जाएंगे, उनके नाम है HC मुखर्जी और दूसरे हैं हमारे VT कृष्णमाचारी। तो आपको दो नाम याद रखने हैं यहाँ पे, तीन नाम याद रखने हैं आपको, चार चीज़ याद रखनी है सॉरी। पहला आपको सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में याद रखना है जो कि ओल्डेस्ट पर्सन थे उस समय, और इनको टेम्प्ररी बनाया जाएगा प्रेसिडेंट, और ये फ्रेंच जो फ्रांस था वहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस होती थी कि जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति है उसको प्रेसिडेंट बना दो इस हिसाब से। तो पहले पहले दिन क्या होता है कि कार्यवाही सही से चल सके, इसलिए जो है उनको बना दिया जाता है टेम्प्ररी प्रेसिडेंट। उसके बाद जब अगली मीटिंग 11 तारीख को होती है तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट जो है प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, और राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ दो लोगों को टेम्प्ररी, माफ़ करना, दो लोगों को वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया जाएगा। उन दोनों के नाम है आपके HC मुखर्जी, HCM, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति का नाम है आपका VT कृष्णमाचारी। ये नाम आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों ये आप याद रखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम में। और इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है अगला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होगा बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो कि हमारा बेसमेंट या फिर एक तरह से कह सकते हो आप आधारशिला बनने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे भारतीय संविधान की। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हम सारी बात अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, आपको उम्मीद है समझ में आया, कुछ आपको नहीं समझ में आता है, कुछ डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपको जरूर हैंड टू हैंड उस समय जैसे आप पूछेंगे आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।